एजुकेशन कम हो या ज्यादा, नौकरी का पक्का वादा, इस तरीके का स्लोगन लिखा हुआ पोस्टर आपने कई बार देखा होगा, जिसके नीचे ये भी लिखा रहता है कि विदेशों में नौकरी चाहिए तो संपर्क कीजिए। जी हाँ, अगर आप भी इस तरीके के पोस्टर्स में यकीन रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 8 ने ऐसे ही एक गैंग को गिरफ्तार किया है जो विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि ये गैंग बसों में, ट्रेनों में, यहां तक कि बस के सीटों पर भी अपने पोस्टर चिपका देती थी जिसके नीचे लिखा रहता था कि विदेशों में नौकरी चाहिए तो संपर्क कीजिए। उसके बाद जैसे ही लोग इनके संपर्क में आते थे तो पहले ये मेडिकल के नाम पर 8 से 10 हजार रुपए ऐड लेते थे, उसके बाद वीजा और नौकरी दिलाने के नाम पर 80 हजार रुपए ऐड लेते थे। इस गैंग ने मुंबई के अलग अलग इलाके में अपना ऑफिस खोल रखा था और जैसे ही इनका टारगेट कंप्लीट हो जाता ये ऑफिस छोड़कर चले जाते। इस गैंग ने मीरा रोड, खार रोड और जोगेश्वरी जैसे इलाके में भी अपना ऑफिस खोल रखा था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस गैंग ने 100 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें से 15 से ज्यादा लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। इस गैंग ने 1 करोड़ से ऊपर तक की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। 8 को एक सूचना मिली थी, एक गैंग है जो युवा पीढ़ी में जो बेरोजगार हैं उनको फंसाकर पैसे लेकर और उनको झूठी नौकरी का प्रलोभन देकर और साथ में झूठा वीज़ा भेजकर उसके बाद उनके पैसे लेके भाग जाते थे। इस तरह से इन्होंने करीब 100 लोगों के साथ चीटिंग की है। तो उसमें से एक जो विक्टिम था उसने अप्रोच किया और उसके बेसिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायरी की, तो उसमें पता चला अभी इनका नया ऑफिस चालू हुआ है रॉयल ट्रेवल्स के नाम से, जो मरीन लाइंस पे था। तो यहाँ पर टीम 8 ने रेड किया और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स जब्त किए, मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए, जो मेडिकल चेकिंग हुई थी विक्टिम्स की वो जब्त किए और इस बेसिस पे आगे पता चला कि 100 से ज़्यादा विक्टिम्स हैं और आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में इस बेसिस पर एक केस रजिस्टर हुआ है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन आगे यूनिट 8 कर रही है। तो इसमें करीब 100 से ज़्यादा लोगों का चिटिंग हुआ है और करीब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये चिटिंग का केस है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इन जगहों पर अलग अलग स्टिकर्स चिपकाते थे जिसमें ये लिखते थे कि दुबई, कुवैत, सिंगापुर, इन कंट्रीज़ में आपको जॉब चाहिए तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट करें। एक बार वो फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करते थे तो वो उन विक्टिम्स को अपने ऑफिस बुलाते थे, उसके बाद उनको बोलते थे कि आप पहले मेडिकल करा लीजिए और मेडिकल के टाइम उनसे नॉमिनल पैसे लेते थे 5-10 हज़ार। मेडिकल होने से उनको थोड़ा विक्टिम्स को फील होता था, उनको वो कन्विंस होते थे कि कुछ इसमें सत्यता है और आगे इस बेसिस पे वो फिर उनको फेक वीज़ा भी व्हाट्सएप पे भेजते थे, फेक ऑफर लेटर भी भेजते थे। और कुछ एकाध महीने वो ऑफिस चलाने के बाद अगर 2-3 महीने में उनका टारगेट पूरा हो गया, उनके 20-25 विक्टिम हो गए, 50 विक्टिम हो गए, तो ऑफिस बंद करते थे और फिर वो नई जगह पर ऑफिस खोलते थे।